नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शर्मा आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों आज हम आपको अश्वगंधा के विषय में बताएंगे। हमारे सभी डॉक्टर समीर कुमार पान सर हैं जो आपको हर बार एक नए ड्रग के बारे में बताते हैं, तो आज भी इस ड्रग को बताएंगे अश्वगंधा के विषय में। गया अश्वगंधा का जो है बॉटनिकल नेम सोना सोमी फेरा इसका बॉटनिकल नेम है। तो इस अश्वगंधा के क्या उपयोग हैं और कैसे काम करता है इस तरह से, और इस अश्वगंधा कैसा दिखता है, इसका फल कैसा होता है, कौन सी चीज़ से काम आती है, इस विषय पर हम इसको प्रकाश डालेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा के लिए ये डॉक्टर समीर पान सर इस पर प्रकाश डालेंगे, आप इनको ध्यान से सुनिए। नमस्कार, अभी हम लोग हर्बल गार्डन में हैं और अश्वगंधा का पौधा दिखाते हुए उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये अश्वगंधा का एक प्लांट है, हाइट देख ही रहे हैं 2 से 3 फीट तक है, कभी कभी इसका हाइट 4 फीट तक आते हैं, लेकिन जनरली इतना ही हाइट तक आते हैं। और पहचानने के उपाय हैं, इट इज़ मार्चली ब्रांच्ड अंडर सब्स, मतलब छोटे सब्स प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, काफ़ी ब्रांचेस है। इनका लीफ देखिए, लीफ ओवेट टू ऑब ओवेट, मतलब अंडाकार से इलिप्टिकल, इसी प्रकार सॉफ्ट है। और इनका जो फूल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये फूल नहीं है, ये एक्चुअली जो बाहर जो ये वाला पोर्शन है जिसको कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स एक्चुअली कवर करती है फूल को। उसके बाद से अभी हमारे पास फूल नहीं है, ये फ्रूट बन गया। फ्रूट का देखिए तोड़ने से किस प्रकार देखने में लग रहे हैं, ये जो बीज है टमाटर का बीज जैसे। तो आप लोगों को मालूम है टमाटर, मिर्च और आलू ये सब सोलानेसी फैमिली का है, बृहती भी सोलानेसी फैमिली का है। तो हमारा ये अश्वगंधा, इसका लैटिन नेम है उथेनिया सोमनीफेरा, फैमिली सोलानेसी। तो बापालाल वैद्य जी का कहना है कि जो जंगल में पाए जाते हैं, मतलब नेचुरली जो उगते हैं अश्वगंधा, उसका लैटिन नेम उथेनिया सोमनीफेरा नहीं है, उथेनिया है जो जंगल में पाया जाता है उसका उथेनिया सोमनीफेरा, और जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं वोटा उथेनिया अश्वगंधा, उनका ये कहना है। अभी देखिए इसका पर्याय क्या है, इसका पर्याय में एक बल्य मतलब बल प्रदान करने वाला, बलदा मतलब एक ही अर्थ बल प्रदान करने वाला, बातग्नि मतलब बात को हनन करने वाला, मतलब बातव व्याधि में व बातोज बीमारी में हम लोग इसको यूज करेंगे। फिर आते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसका प्रॉपर्टी कहने से पहले इसका थोड़ा रसगुण वीर्य की तरफ झांकना होगा। रसगुण वीर्य में देखा जाता है जे ये मधुर रस, मधुर तिक्त कषाय रस, मतलब मधुर तिक्त कषाय रस, ये दर्शाता है कि ये बात समक, क्योंकि ये कफ वर्धक होते हैं इसलिए ये बात को समान करते हैं। फिर उष्ण वीर्य, रसायन, बल्ल, ब्रिंघन, ये सारे प्रॉपर्टी इसमें हैं। अभी हम लोग देखेंगे जे इसका कौन सा पार्ट यूज होते हैं और कौन सा बीमारी में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। इसका मुख्यतः जड़ यूज होते हैं, लेकिन इसका लीफ एवं इसका फल भी यूज होते हैं। फल कम यूज होते हैं लेकिन जड़ ज़्यादा एवं इसका लीफ भी यूज होते हैं। जैसे बुखार में चक्रदत्त ने उल्लेख किया है जे इसका जड़ चिकित्सा में इसको यूज किया जा सकते हैं। एक बात है जे सदैव रसा प्रयक्ता, मतलब जो सरस लेने के जो जो दवाई है उसमें से ये भी एक अन्यतम है। जैसे तुलसी का सरस लेना चाहिए, हाँ इसी प्रकार इसको लेना चाहिए, लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकली ड्राइड हर्ब्स ही लेते हैं। इसका जो जड़ वो पहचानने के उपाय है, जो आसान से टूट जाएगा वो सही अश्वगंधा का होगा, कल्टिवेटेड वैरायटी में वही मिलते हैं, आसान से टूट जाते हैं। ये रसगुण वीर्य विपाक एवं प्रॉपर्टी देख के ये स्थापित हो रहे हैं जे ये ब्रिंघन चिकित्सा करने वाले। चिकित्सा दो प्रकार, एक संतर्पणीय चिकित्सा, एक अपतर्पणीय चिकित्सा।
तो संतर्पण चिकित्सा में इसको यूज होगा। चरक बातव व्याधि में इसका अश्वगंधा के तेल के तेल में प्रयोग किया, अच्छा, लेकिन चरक क्षतछिन में इसको उल्लेख नहीं किया, क्षतछिन रोग में इसको उल्लेख नहीं, बातव व्याधि में अश्वगंधा तेल का प्रयोग किया। सुश्रुत में इसको कार्स में यूज किया घृत एवं मधु के साथ। और आपका चक्रदत्त ने बंध्या चिकित्सा में, बंध्या चिकित्सा में ऋतु स्नाता नारी ऋतु स्नानांतर एक घृत एवं मधु के साथ अथवा खीरपक विधि के अनुसार ये सेवन करेंगे बंध्या में। बाल कृषक माने कृषक बच्चा खा रहे है पी रहे है, आपका बच्चा बढ़ नहीं रहे, तो यहाँ भी संतर्पण चिकित्सा खीरपक विधि के अनुसार इसको देना चाहिए। और जड़ देनी चाहिए सर, जड़ देनी चाहिए, हाँ सभी जगह में ये जड़ का इंडिकेशन है। केवल जहाँ आपको कुछ कुष्ठ में इसका यूज है, जैसे एक बैक साइड में पीठ का तरफ एक घाव होता है जिसको कार्बंकल कहते हैं, उसमें काई मुख रहते हैं, वो काफ़ी पीड़ादायक होते हैं एवं बहुत देर में ठीक होते हैं, तो उसमें इसका लीफ पत्ते का पीस के लेप करने के विधान दिया गया है, पत्ते का लेप कार्बंकल में कुष्ठ में घाव में योगा और सारणी। और आप लोग प्रैक्टिकल करके एक चीज देखिए जो मैंने देखा नहीं हूँ, शास्त्र में उल्लेख है ये इसका जो फल है, फल में जो आपको जो बीज आएगी जैसे टमाटर जैसे बीज व मिर्च जैसे बीज, इस बीज को व पूरा फल को अगर दूध में डाल दिया जाए तो ओवर राइड लगने पर जैसे दही जमते ऐसे जम जाते हैं। ये आप लोग प्रयोग करके बताइए, फिर कमेंट्स में लिखिए। तो ये था अश्वगंधा का कॉमन जानकारी, जे जहाँ आपको संतर्पण चिकित्सा करना है होगा वहीं आपको यूज करना है। भले बात चरक ने क्षतछिन्न में लोग नहीं यूज नहीं किया, लेकिन हम लोग अगर उसमें युक्ति तर्क प्रयोग करते हैं तो आप लोग सुना ये चरक सुश्रुत ने कहाँ यूज किया। फिर भाव प्रकाश ने एक अच्छा इंडिकेशन दिया, उन्होंने कह रहे जे हृदगत बाद में, जैसे आप कह रहे जे नहीं आपको हार्ट बीट फास्ट हो गया, थोड़ा घबराहट हो रही है, इस कंडीशन में खीरपक विधि के अनुसार अश्वगंधा का मूल यूज़ करना है। और नींद जिसको कम आते हैं, अच्छा गहरा नींद नहीं आते हैं, उनके लिए बंगसेन ने विधान दिया और खीरपक विधि अनुसार बा पाउडर लेना है। और चरक ने श्वास में भी इसको यूज़ किया, उसमें अश्वगंधा जड़ का क्षार बनाकर जलाना है, जलाने के बाद उसको जो क्षार होगा क्षार लेना होगा, वो क्षार पानी के साथ पिलाना होगा। दोस्तों देखा आपने कि अश्वगंधा के विषय में गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई। अश्वगंधा प्लांट आप देख लीजिए ऑनलाइन, आपको इजीली दिख जाएगा। प्लांट मैंने आपको दिखा दिया किस तरह का दिखता है, फूल दिखा दिया किस तरह का दिखता है। इसकी बेसिकली आपकी जड़ यूज़ होती है और पत्ते का उपयोग घाव में करते हैं, ऐसा सर ने बताया। बाकी अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें बताई, इन चीज़ों को कोट करके आप रखिए अपने पास, ये नुस्खे हैं, नुस्खे आप जीवन में हमेशा काम आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को विराम देता हूँ, अगली बार एक नई ट्रक के साथ एक नए कंटेंट के संग आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक दोस्तों मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।